मूवी ही काफ़ी अच्छी थी एंड स्पेशली पवन मल्होत्रा का रोल लाइक काफ़ी अमेजिंग था एंड द क्लाइमेक्स वॉज वेरी गुड. ओवरऑल कितनी अच्छी लगेगी ऑडियंस को ये फिल्म? इट वॉज अ फैमिली मूवी तो ऑब्वियसली लाइक फैमिली के साथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है एज ऑफ नाउ. परफॉर्मेंस कैसी लगी जिम्मी शेरगिल, माही गिल? जिम्मी शेरगिल ऑलवेज बेस्ट, माही गिल का इतना है नहीं बट स्टिल शी वॉज गुड. कोई गाना पसंद आया फिल्म में? हम चले तेरी हो. ओके, पाँच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 3.5. थैंक्स. फैमिली ऑफ ठाकुरगंज कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी फिल्म और मुझे स्पेशली फर्स्ट हाफ तो क्लीशे लग रहा था. फर्स्ट हाफ मुझे ऐसा लग रहा था कि देखा हुआ है, मतलब कई सारी फिल्म ऐसे देख चुके हैं हम लोग. लेकिन सेकेंड हाफ बहुत सरप्राइज है और क्लाइमैक्स बहुत अच्छा क्राफ्ट किया है, अच्छा लगा मुझे. परफॉर्मेंस कैसी लगी सब लोगों को? परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, स्पेशली मुझे पवन मल्होत्रा का रोल बहुत अच्छा लगा. कॉप बने इसमें वो, कॉप राठौड़, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने और बहुत सिंसियर सीरियस रोल था उनका. और लास्ट में मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है इस फिल्म में, लास्ट में डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, मज़ा आया देख के काफ़ी. पाँच में से कितना स्टार? पाँच में से मुझे लगता है कि 3 स्टार तो मैं दूंगा इसको. हाँ, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज कैसे लगी? बहुत अच्छी मूवी है, इसमें सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके सौरभ शुक्ला की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है. और फिल्म स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर लगती है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद में पिक्चर बहुत अच्छी है. बेसिकली जो होली के सॉन्ग हैं वो काफ़ी मतलब उस कहानी को टच कर रहा था और ओवरऑल बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. परफॉर्मेंस जिम्मी शेरगिल की तो परफॉर्मेंस फाड़ू है, सौरभ शुक्ला का तो कहना नहीं है, वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं. और माही गिल भी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर ने अच्छा काम किया है. ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी और मैं इतना कह सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है और ऑडियंस एंजॉय कर सकती है इसको. 5 में से मैं 3.5 स्टार दूंगा इसे. ओके, थैंक यू. अच्छी लगी मुझे, स्टोरी अच्छी थी, खास कर जिमी सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और नई लड़की थी नित्य प्रकाश, सुपर एक्टिंग अच्छी थी एक्टिंग उसकी. वो तो ऑलरेस्टी स्टार है, नो डाउट उसकी एक्टिंग कोई सखी नहीं है, बोल नहीं सकती. इंटरटेनिंग है, इंटरटेनिंग उनके सबसे मुझे अच्छी लगी इनकी क्लाइमैक्स, अनएक्सपेक्टेड थी, कोई सोच नहीं सकता था इनकी क्लाइमैक्स की इतनी अच्छी हो सकती है, इतनी मतलब सोच सकते ना किसी को सोच से बाहर हो जाएगी चीज़ें. स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी सेकेंड हाफ, मोस्टली बहुत अच्छी थी सेकेंड हाफ, बहुत अच्छी. ओके, आपको फर्स्ट हाफ 3.5. फिल्म बहुत अच्छी थी और एक मैसेजिंग फिल्म है, जिस तरीके का क्राइम है उस क्राइम के खिलाफ एक इंसान की फाइट, जो मतलब क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है और उसके बाद वो डाइवर्ट होता है और क्राइम को किस तरीके से ख़त्म करने की कहानी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी. परफॉर्मेंस ज़्यादा सारे आर्टिस्ट जो हैं वो सब मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हुए आर्टिस्ट हैं, तो परफॉर्मेंस तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए मतलब सब सबकी अच्छी है, ऑलमोस्ट सारे अच्छे. स्टोरी लाइन वाइज कितना एंटरटेन करेगी? स्टोरी लाइन वाइज यंगस्टर्स को एक मैसेज देगी और एक यंगस्टर्स को बहुत मतलब यंगस्टर्स की कहानी है बेसिकली, जिस तरीके का हमारे यहाँ क्राइम है उत्तर प्रदेश में, और वो उससे एक कहानी जूझते हुए एक कलाकार जो है, एक मतलब हीरो जो है अपनी बात कह रहा है, बहुत अच्छी कहानी. म्यूज़िक किस तरह का है? म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, नो डाउट दोनों गाने बहुत ही अच्छे लगे और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है. 4.5. या बहुत अच्छी मूवी थी, ओवरऑल इट वॉज़ गुड. और जो जी पुलिस का जो रोल किया है मल्होत्रा जी ने, उनकी रोल उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी लगी, मतलब इट वॉज़ फैबुलस मूवी. ओवरऑल बहुत अच्छी थी, सॉन्ग इसका एक बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे, उसके जो जो लोकेशंस थे, जो उसके व्यूज़ थे, सीन्स थे, वो काफ़ी प्यारे थे. ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस गुड थी, जिमी शेरगिल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, माही गिल के का जो रोल था वो कुछ और हो सकता था बेटर, बट इट वॉज़ गुड. म्यूज़िक गुड था, एक फर्स्ट में जो सॉन्ग चलता है वो बहुत प्यारा सॉन्ग था, तेरी और समथिंग ऐसा कुछ सॉन्ग था, बहुत प्यारा सॉन्ग था वो. 5 में से कितना स्टार? 3 स्टार. ओके.